अब देखते हैं कि भाई जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, क्योंकि भोजन और उसके अंतःग्रहण की विधि भिन्न है, ये अभी हमने देखा। अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। एक कोशीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है, याद रखना। एक कोशीय जो जीव है वो उसके बाहर की कैसी सतह है, ठीक है, उसकी जो बाहर की सतह है उससे ही हम भोजन ले लेते हैं। जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आपको फिगर में दिखा रहा है कि भाई अमीबा एक कोशीय जीव है, तो वो सतह से अंगुली जैसे अस्थाई प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है, और यह प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रीवित का बनाते हैं, ठीक है। आपको फिगर में दिख रहा है अमीबा है, उसकी बाहर की सतह से वो खुराक प्राप्त कर रहा है। खाद्य रीवितका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि वह बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, यानी कि खुराक ग्रहण भी बाहर की सतह से करता है और अपचा हुआ खुराक भी उसकी सतह से ही बाहर निकलता है। पैरामेशियम भी एक कोशीय जीव है और इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है और भोजन इस स्थान तक पक्षियाम की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। आपने देखा होगा पैरामेशियम का आकार है ना, एक चप्पल है ना, चप्पल उसके जैसा होता है, और आपने देखा होगा उसके बाहर की जो सतह है वहाँ ये पक्ष में थोड़े थोड़े बाल जैसे आपको दिख रहे हो, उसको बोला जाता है पक्षिया, ठीक है। तो ये आपको जो अमीबा में पोषण दिख रहा है वो भी आईएमपी है। आपको पूछा जाए कि भाई एक कोशीय जीव में पोषण कैसे होता है, तो आप अमीबा के पोषण के बारे में लिख सकते हो, ओके। चलो अब हमें जो पढ़ना है वो बोर्ड में मोस्ट आईएमपी है और ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और वो है हमारा मनुष्य में पोषण, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आहार नाल है, वो मुंह से लेके गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है। आपको ये फिगर में दिख रहा है कि भाई ये नली है, उसके विभिन्न भाग भी है जो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई जीवा, ग्रसिका, डायाफ्राम, पित्ताशय, आमाशय, शुद्रांत्र, यकृत, अग्न्याशय, बृहदान्त्र, गुदाद्वार, ओके। वो विभिन्न भाग जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है तो उसका क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आपको होना चाहिए। तो ये पूरा जो प्रक्रम है उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना, ये जो सवाल है वो मोस्ट टाइम भी है, ठीक है। तो चलो कि हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। कि भाई जब हम खाना खाते हैं तब क्या होता है, वो छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं, पर हम दांतों से चबाकर वो पूरा कर लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करते किससे है, दांतों से, ठीक है। और आहार का अस्तर बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है। कि भाई हमारे मुंह में है वो पानी, मतलब लार जैसा कुछ होता है, खाना खाने के बाद वो भी मिक्स होती है, तो मतलब आहार का अस्तर कैसा होता है, कोमल, और उससे भोजन कैसा हो जाता है, गीला, ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए, ठीक है। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है, ये आपने एहसास किया होगा। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं पानी पूरी, पानी पूरी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है, ठीक वैसे ही। तो यह वास्तव में केवल जल नहीं है,
यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे हम लाला रस या तो लार कहते हैं। याद रखना भाई, जब हम हमारा मनपसंद भोजन देखते हैं या तो पानी पूरी देखते हैं, तब जो मुंह में पानी आता है वो रियल में पानी नहीं है, वो लाला रस है या तो क्या है, लार। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। वो खुराक कैसा है वो उसका दूसरा पहलू। यदि इसका अवशोषण आहार नल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा, ठीक है। और यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। अगर अवशोषण आहार नल द्वारा करना है तो छोटे कणों में विभाजित करना पड़ेगा, और यह काम जैव उत्प्रेरक और उसे हम कहेंगे एंजाइम। तो ठीक वैसे ही हमारे मुंह में जो लार होती है और लार में भी एक एंजाइम होता है और वो होता है एमिलेज। याद रखना, एक मार्क्स में पूछा जाए कि भाई लार में कौन सा एंजाइम होता है तो क्या आएगा, एमिलेज। और यह मंड जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर जाता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। भोजन हम जब चबाते हैं तब जो हमारी जीवा है वो भोजन को लार के साथ पूरी तरह क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अब आगे कि वे आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है, और यह क्रमाकुचक गति पूरी भोजन नली में होती है। हमें पता है कि भाई हम जब मुंह से खुराक खाते हैं तब वो खुराक हमारी जो ग्रसिका यानी कि अन्न नली है वहाँ से होकर आमाशय में जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या उसका दूसरा नाम है इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। मुंह से आमाशय तक खुराक या तो भोजन ग्रसिका या तो इसोफेगस उसके द्वारा, आमाशय है वो एक बृहदंग है जो भोजन के आने पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। जब भोजन आता है तब वो फैल जाता है। हम कहते हैं ना भाई पेट खाना खाने के बाद मोटा हो गया, इसका मतलब थोड़ा आमाशय फूलता है खाना जब अंदर जाता है तब, और अगर खाना नहीं जाता है तब वो सिकुड़ जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहाय होती है, ठीक है। हमारा खुराक मुंह से अब पहुंच गया आमाशय। आमाशय में हमने जो भी खुराक खाया है वो कुछ घंटे तक, दो या तीन घंटे तक वहाँ पे रहता है। वहाँ उसके छोटे छोटे कणों में और विभाजन होता है और उसके साथ कई पाचक रस भी मिश्रित होते हैं, और ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। याद रखना, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम यानी कि पेप्सिन, और तीसरा श्लेष्मा का स्रावण होता है। याद रखना, आमाशय में तीन चीज़ों का स्रावण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब मंद HCl, प्रोटीन पाचक एंजाइम यानी कि पेप्सिन, और तीसरा श्लेष्मा, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। एक तो ऑलरेडी है अम्ल तो अम्लीय माध्यम ही होगा, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में क्या होता है, सहायक। अब ये सोच रहे कि भाई अम्ल और कौन सा कार्य करता है, तो सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। जो श्लेष्मा है उसका काम रक्षा करना है अम्ल से। हमने या और आपने भी एक्सपीरियंस भी किया हो, उसका अनुभव भी लिया है, जो पेट में जलता है यानी कि एसिडिटी, ठीक है। तो उसका इसके साथ क्या संबंध है, तो आमाशय से भोजन अब क्या क्षुधांत्र में प्रवेश करता है,
एसिडिटी के बारे में मैंने अभी कहा। एसिडिटी मतलब हम बोलते हैं ना भाई जलता है पेट में, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा स्रवण होने लगता है, और वो कब होता है, जब हम तीखा या तो तला हुआ ज़्यादा खुराक लेते हैं तब यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा स्रवित होता है, और ज़्यादा स्रवित होने के बाद ही हम कहते कि हम एसिडिटी हो गए, और एसिडिटी में होता है पेट में जलन, ठीक है। और फिर हम खाते हैं इनो, मतलब इनो पीते हैं। चलो अब आमाशय से भोजन जाता है क्षुधांत्र में, यह अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है, और क्षुधांत्र आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है और लंबा भी भाग है, याद रखना। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान में अवस्थित होती है, और विभिन्न जंतुओं में क्षुधांत्र की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। क्षुधांत्र सबसे पहले कि भाई पूरे शरीर का सबसे लंबा भाग है, और विभिन्न प्राणियों में क्षुधांत्र है उसकी लंबाई विभिन्न होगी, ठीक है। जैसे कि घास खाने वाला जो शाकाहारी है, अब उसको सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुधांत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन जो मांस खाते हैं, अतः बाघ जैसे जो मांसाहारी है उसकी क्षुधांत्र कैसी होगी, छोटी, ठीक है। और हमारे मनुष्य में उसकी लंबाई अप्रोक्सीमेटली यानी कि अंदाजित 6.5 मीटर तक होती है, ओके। चलो आबे क्षुधांत्र कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है, यहाँ पे ही सब पाचन होता है हमारा, और इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नेशय से स्रवण प्राप्त करते हैं। जैसे आमाशय प्राप्त करता है ठीक वैसे क्षुधांत्र में भी यकृत और यग्नाशयाशय से स्रवण प्राप्त करता है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है, यह तो पता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और अग्नयाशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रवित पीतरस, याद रखना यकृत से स्रव होता है पीतरस, इस कार्य को करता है, क्षारीय बनाने काम इसका है, और यह कार्य वसा पर क्रिया करने के लिए अतिरिक्त है। क्षुधांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, याद रखना क्षुधांत्र में वसा एक गोलिका आती है ना उसके रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना कैसा हो जाता है, मुश्किल। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती। अब छोटी छोटी गोलिकाओं में अगर खंडित कर दिया है तो फिर क्या, एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके। ये जो साबुन का मैल है उसका इमल्सीकरण है, वो हम चैप्टर नंबर जब 4 पढ़ेंगे तब हम डीप में समझेंगे, ठीक है। आगे अग्नयाशय अग्नयाशिक रस का श्रवण करता है, याद रखना एक मार्क्स में है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। एक तो अग्नयाशय अग्नयाशिक रस, और उसमें प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन। अब इमल्सीकृत वसा का अगर पाचन करना है तो उसमें एंजाइम होगा लाइपेज, ये भी आईएमपी है। क्षुधांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रवित करती है, और इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। ये याद रखना कौन से एंजाइम कहाँ पर है, ठीक है, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलो अब आगे पाचित भोजन को आंत्र की भीति अवशोषित कर लेती है, जो अब क्षुधांत्र में पाचित
बचा हुआ खुराक के उसको अवशोषित कर लेते उसकी भीति। क्षुदांत्र के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं। क्षुदांत्र है उसका जो आंतरिक स्तर है उसके अंदर अंगुली जैसे प्रवर्ध होते जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। याद रखना ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। इसका काम क्या? अवशोषण का जो सतही क्षेत्रफल है उसको बढ़ाना। और दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए उत्तकों के निर्माण और पुराने उत्तकों की मरामत में होता है। याद रखना इसका उपयोग कहाँ होता है। तो ये होगी क्षुदांत्र के बारे में। अब जो उसमें मतलब क्षुदांत्र में भी जो खुराक पचा हुआ नहीं है, यानी कि बिना पचा हुआ जो खुराक है वो बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, जहाँ क्षुदांत्र के आंतरिक स्तर पर जहाँ अधिसंख्यक दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। जो बिना हुआ पचा हुआ खुराक है वो जाता है बृहदान्त्र, और बृहदान्त्र में केवल और केवल जो पानी होता है उसका होता है अवशोषण, और अन्य पदार्थ है वो गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है, और इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मनुष्य का पोषण। मैं पहले से वापस दोहरा देता हूँ। सबसे पहले मुँह, मुँह से खुराक आया आमाशय, आमाशय से गया क्षुदांत्र, क्षुदांत्र में से गया बृहदान्त्र। ठीक है, उसमें कौन कौन से स्त्राव कहाँ कहाँ होते हैं वो आपको याद रखना है, और ये पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है। और कभी कभार आपको कुछ अंग के बारे में, यानी कि आमाशय और क्षुदांत्र के बारे में सब विस्तार समझाए तो उसके बारे में आपको समझा देना है। ठीक है, चलो अब हम पोषण के बाद दूसरा टॉपिक यानी कि श्वसन। श्वसन के बारे में आपको पता है कि भाई हम क्या करते हैं, श्वास में, सांस में कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कौन सा निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, तो चलो अब हम दोस्तों यहाँ पे एक क्रियाकलाप की है कि भाई एक परख नली में है उसमें तैयार किया हुआ चूने का पानी लिया है, और चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकली वायु प्रवर्तित कीजिए, मतलब जो हम सांस है उसको डालना है उसमें, जैसे यहाँ पे देखो फिगर में कैसे है वैसे। तो अब आप देख रहे हो कि भाई ये जो पानी है ना वो दूधिये रंग का हो जाता है, तो इसका मतलब क्या? तो आपको बता दूं कि भाई हम जब सांस निकालते हैं तब उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तो कहीं नहीं हुआ ना, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतग्रहण पोषण प्रक्रम में लिए होता है कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है, ये भी पता है। विविध जीव इसे विभिन्न विधियों द्वारा करते हैं, ये भी हमने कहा कि भाई कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग, ग्लूकोज को संपूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, कुछ जीव इसमें करते हैं उपयोग, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। कुछ जीव है वो बिना ऑक्सीजन के ही ये विधियाँ करते हैं। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज, एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु मतलब पाइरूवेट में विखंडन करता है। दोस्तों ग्लूकोज यानी कि C6H12O6
इसमें 6 कार्बन है, तो उसका विखंडन करते वो 3 कार्बन वाला मतलब पाइरूवेट में विखंडन करता है, और यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पाइरूवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवृत्त होता परिवर्तित, और यह प्रक्रम क्विणन के समय इष्ट में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। याद रखना, उसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती, और जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, याद रखना। अब पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु को विखंडित करते 3 करके कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में होता है। और दूसरा उत्पाद है जल, क्योंकि यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए हम कहेंगे वायवीय श्वसन। याद रखना, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, उपस्थिति की ज़रूरत हो, वो है वायवीय, और जिसकी ज़रूरत ना हो, ऑक्सीजन में की ज़रूरत ना हो, तो वो हो गया अवायवीय श्वसन। आगे, वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, पाइरूवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ तब अपनाया जाता है। कभी कभी ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तब पाइरूवेट का विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाना पड़ता है। जो यहाँ पाइरूवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले मतलब लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, और अचानक ऐसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता कैंपर का कारण हो सकता है। लैक्टिक अम्ल कब निर्माण होगा? जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तब। यहाँ आपको कोष्टक दिया गया है, देखो आप कि भाई सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन उसका विखंडित होता है पाइरूवेट 3 कार्बन, फिर ईस्ट में आप देखो ऊपर उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तब क्या बनता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। फिर नीचे हमारी पेशियों में अभी हमने कहा भाई ऑक्सीजन का अभाव होता है तब लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में देखो आप ऑक्सीजन की उपस्थिति है तब कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है? जल, और मिलती है ऊर्जा। ओके, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी, क्या एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम है, नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाता है, ऊर्जा का कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, जो कोशिकाओं की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है, और एटीपी के विखंडन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली आंत्रोष्मी क्रियाओं का क्या करती है? परिचालन। हमें जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा तत्काल ही किस में कन्वर्ट हो जाती है? एटीपी। ओके, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। हमने आज जो भी पढ़ा है और जहाँ तक पढ़ा है वो दोस्तों याद रखना है, और ये जो भी आज हमने पढ़ा है जैसे कि मनुष्य में पोषण, आगे पढ़ा हुआ स्वपोषी, परपोषी और ये श्वसन के बारे में, ये सभी टॉपिक आईएमपी है और बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भाई मनुष्य में पोषण है वो आईएमपी है और 4 मार्क्स में पूछा जाता है। पोषण के प्रकार भी पूछे जाते हैं, श्वसन के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपको याद रखना है, उसमें जो जो आईएमपी आपको पॉइंट लगे उसके नीचे आप बुक में अंडरलाइन कर सकते हो, या तो कोई रफ बुक बनाओ उसमें भी आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।